सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री ने निकाली साइकिल यात्रा। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप का बयान, सपा सरकार आने तक साइकिल चलती रहेगी। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को बनाया मुद्दा। कोरोना में हुई मौतों को नहीं संभाल पाई सरकार। सभी मुद्दों पर फेल सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार से जनता उब गई है। साइकिल यात्रा में भीड़ और उत्साह को देखकर गदगद हुए अरविंद सिंह गोप। गोप ने साइकिल यात्रा निकालकर 2022 में सपा की सरकार बनाने का दिलाया संकल्प। बदोसराय चौराहे से निकाली गई साइकिल यात्रा। नवभारत समाचार बाराबंकी से जितेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। देश के सबसे नौजवान नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके नेता जी अखिलेश यादव जी आज साइकिल स्वयं लखनऊ में चला रहे हैं। छोटे लोहिया जनेश्वर जी के पार्क तक वहाँ मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। ये साइकिल यात्रा महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, कोरोना में तमाम मौतें हुई उसको नहीं संभाल पाई है सरकार, बेरोजगारी, कोई ऐसा वर्ग नहीं जो इससे परेशान न हो, ये भीड़, ये उत्साह, ये बता रही कि उत्तर प्रदेश सरकार से जनता उब गई है। ये साइकिल तब तक चलेगी जब तक जुल्मी जालिम सरकार जाएगी नहीं, और 22 अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेते इसलिए साइकिल चला रहे हैं।